बहुत से लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी फायर टीवी स्टिक के अंदर ये वाला पावर बटन एंड ये वॉल्यूम बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 4K है या कोई भी फायर टीवी स्टिक है। तो आज की वीडियो में मैं आपका प्रॉपरली एक सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे कि आपके ये दोनों ही बटन्स काम करने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे चलते हैं हम टीवी स्क्रीन पर। आपका किसी भी ब्रांड का टीवी हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको करना है, सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर। अभी फिलहाल मेरा पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन काम कर रहा है, लेकिन अगर आपका नहीं कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ नेविगेशन बटन से यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आएगा इक्विपमेंट कंट्रोल। इक्विपमेंट कंट्रोल में जैसे ही आप जाएंगे, यहां पर आपका आता है मैनेज इक्विपमेंट्स। जैसे ही मैनेज इक्विपमेंट में जाएंगे, यहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा टीवी। टीवी में जाने के बाद आपको जाना है चेंज टीवी। सो यहां पर ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप वीडियो के साथ साथ इसको ट्राई कर लीजिएगा सो दैट आपका कोई भी चीज मिस ना हो। सो यहां पर आ रहा है चेंज टीवी गाइडेड सेटअप विल टेक 5 to 10 मिनट्स। तो इसको अब हम कर लेते हैं चेंज टीवी। जैसे ही हम चेंज टीवी के अंदर करेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन दे रहा है प्लीज वेट व्हाइल वी प्रिपेयर योर रिमोट फॉर सेटअप। तो ये इसको सेटअप कर रहा है। मेरा टीवी जो है वो पैनासोनिक का टीवी है, ऑलरेडी इसके अंदर चल रहा था। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि आपका टीवी पैनासोनिक का है, लेकिन मेरा ऑलरेडी रिमोट चल रहा था, फिर भी मैंने इसको बोला कि नहीं चल रहा है, जिस वजह से इसने सारे ब्रांड्स की लिस्ट मेरे सामने खोल दी है। तो मुझे जाना है इसमें पैनासोनिक को सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं पैनासोनिक सेलेक्ट करने से पहले आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मतलब इतने चाइनीज ब्रांड्स या और भी बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंदर सब अवेलेबल हैं, लोकल टीवी के सारे अवेलेबल हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये चल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे, सारे ही ब्रांड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं इसको ऊपर चलते हैं वापस से पैनासोनिक पे। सो अब मैं इसके अंदर पैनासोनिक को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जो आपका ब्रांड है आपको वही सेलेक्ट करना है। और पैनासोनिक सेलेक्ट करने के बाद अब ये डिटेक्ट कर रहा है कि रिमोट इसके साथ कंपैटिबल है या नहीं। तो मुझे इसके अंदर क्या करना है, प्रेस पावर बटन, मुझे इसको प्रेस करना है ऑफ करने के लिए एंड 10 सेकेंड्स बाद ऑन करना है। तो ये चेक करना है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये इसके अंदर हो चुका है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी, मुझे 10 सेकेंड्स के बाद ऑन करना है, वैसे 10 सेकेंड्स वेट कर लेते हैं। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, टीवी मेरा ऑन हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इस स्टेप के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे मेरी फायर टीवी स्टिक ऑन हो चुकी है और वो मेरे से पूछ रहा है कि आपकी फायर टीवी स्टिक ऑफ हुई थी या नहीं हुई थी। तो मैं बोल देती हूँ यस हुई थी। अगर मैं इसको बोल दूँ कि नहीं हुई थी तो उस केस में ये दोबारा से ट्रबल शूट करेगा। नेक्स्ट स्टेप है, वो कह रहा है हम नेक्स्ट स्टेप पे साउंड प्ले करने वाले हैं, आप वॉल्यूम अप डाउन करके देखना कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगी, इसके अंदर साउंड आ रही है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये साउंड भी वर्क कर रहा है, ये जो वॉल्यूम का बटन है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये ऑलरेडी वर्क कर रहा था लेकिन आपको सेम स्टेप्स ही करने हैं। सो इसके अंदर मैं बोल देती हूँ यस ये वर्क कर रहा है। तो उसके अंदर अब ये प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आपने ये कौन सी HDMI में इसको लगाया हुआ है, HDMI 1 में, 2 में या 3 में। तो मुझको वो सेटअप करना है सो दैट ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करता रहे। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि मैं इसके अंदर फॉरवर्ड बटन, जो ये राइट वाला बटन है नीचे वाला, इसको प्रेस करके कह सकती हूँ कि मुझे ये सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि मैं कभी भी इसको चेंज करती रहती हूँ, तो इसको फिक्स मत करो। तो मैं इसको यही कर देती हूँ एंड इससे आप देख सकते हो योर फायर टीवी रिमोट हैज बीन अपडेटेड। तो इसको अब हम ओके कर देते हैं और ये हमारा रेडी टू गो है। सो मैं अगेन बताती हूँ कि आपका मोस्ट प्रोबेबली ये काम कर जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशंस होती हैं। अगर आपका टीवी कोई लोकल ब्रांड का है, जिस टीवी के अंदर ये वाले जो टीवी के साथ रिमोट के अंदर वो कुछ PCB कंपैटिबल डिवाइसेस, जो PCBs लगी होती हैं हमारे टीवी के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे कंपैटिबल नहीं होती, क्योंकि फायर टीवी स्टिक का जो पूरा रिमोट काम कर रहा होता है लेकिन सिर्फ ये दो बटन्स काम नहीं करते। कभी आपने सोचा है क्यों सिर्फ ये दो बटन्स ही काम नहीं कर रहे और बाकी सारे काम कर रहे हैं?
तो रिमोट तो चलता है, लेकिन ये जो दो फीचर्स होते हैं ना टीवी के, इनको बोलते हैं टीवी कंट्रोल्स। ये एक अलग ही फीचर है जो कि फायर टीवी लाइट में आते भी नहीं हैं। तो इसको चलाने के लिए हमारा टीवी जो है कंपैटिबल होना चाहिए इस ब्लूटूथ रिमोट के साथ काम करने के लिए। सो अगर आपके टीवी में ये फीचर नहीं है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। सो ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारे टीवी लोकल होते हैं, या फिर हमारे टीवी कुछ ऐसे ब्रांड्स के होते हैं जो कि इसके अंदर लिस्टेड ही नहीं है, या फिर हमारे जो ब्रांडेड टीवीज होते हैं वो रिपेयर्ड होते हैं। रिपेयर करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि इसकी पीसीबी कोई चेंज कर देता है या रिपेयर कर देता है, जिस वजह से कि जो हमारे रिमोट होते हैं वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपका रिमोट काम नहीं करेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका रिमोट काम करने लग जाएगा। और अगर बाय चांस आपका जो टीवी का ब्रांड है वो इस हंड्रेड्स ऑफ टीवी के ब्रांड्स में लिस्टेड नहीं है, तो भी आप दूसरे टीवी के ब्रांड्स को सेलेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं कि इसको आपको कैसे चलाना है। एल्स इसके अंदर एक मैनुअल सेटअप का भी ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपको टीवी का कोड डालना होता है जिससे आप इसको सेटअप कर सकते हो। वो कोड्स आपको ये पूरा सेटअप करने के बाद भी अगर नहीं चलता तो टीवी आपको ऑटोमेटिकली फायर स्टिक ये वाला ऑप्शन दिखाएगा, आप उसको सेटअप कर सकते हो, लेकिन वो कोड्स आपको फिर टीवी के ब्रांड ओनर से लेने पड़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपकी प्रॉब्लम आज की वीडियो देख के रिजॉल्व हो गई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो किसी भी गैजेट को लेके या कोई भी फायर स्टिक या अमेज़न के डिवाइसेस को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। गुड बाय, सी या।